नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वह 4 सप्ताह के अंदर बताएं कि विधायकों और सांसदों के 5 साल से अधिक आपराधिक मामलों में उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है, और कोर्ट ने उठाए गए कदमों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को सांसदों और विधायकों के खिलाफ 5 साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों और उनके शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए कदमों समेत पूरा विवरण उपलब्ध करने को कहा है। बता दें कि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की पीठ ने 10 अगस्त 2021 को दिए गए न्यायालय के आदेश में संशोधन कर दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि न्यायिक अधिकारियों जो सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्हें अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना बदला नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया की दलील को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए हैं, जिसमें विशेष अदालत के प्रभार से मुक्त करने की अनुमति देने की मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2021 के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दे सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी हाईकोर्ट को 4 सप्ताह के अंदर एक हलफनामा दाखिल करके सांसद विधायकों के खिलाफ 5 साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों की संख्या और उनके शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताना होगा। बता दें कि पीठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा साल 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने पर राजनेता के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग के अलावा सांसद विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस डीवाई चंचूर जी ने एक आदेश जारी किया है सभी हाई कोर्ट में कि जो भी सांसद और विधायक हैं, सबके खिलाफ जो भी मुकदमे लंबित चल रहे हैं हाई कोर्ट में, उनको 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए, जिससे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। और आपको बताता चलो कि अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पिटीशन फाइल किया था PIL, और उसमें बोला था कि जो भी विधायक और सांसद हैं जिनके भी खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सभी मुकदमों को जो है 4 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मंगाने के लिए बोल दिया गया है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।